हरि ओम नमः शिवाय। शिव का वंदन करके हर एक पापी, हर एक अच्छा इंसान सभी बंधनों से तर जाता है। शिव के अनन्य भक्त शनि, आज शनिवार का दिन 1 जुलाई सावन का महीना शुरू होने वाला है। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा सप्ताह रहा होगा। थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, परंतु जो उपाय मैं हर वीक सजेस्ट करता हूँ, आप उनको फॉलो करके अपने जीवन के अधिकतम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला समय सभी लोगों के लिए अच्छा व्यतीत हो, हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह सभी राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी शनि, शुभ रत्न नीलम, शुभ रुद्राक्ष सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। यह सप्ताह किस्मत आपका साथ देगी। अर्थ मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, धन लाभ के प्रबल योग हैं, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में इस सप्ताह आप नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। सप्ताह विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा सप्ताह रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आगे की योजना बनाने के लिए समय शुभ है। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा, परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह एक सामान्य सप्ताह रहेगा, बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्नचित और खुश रहेगा। सप्ताह को कैसे और अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, हालांकि सप्ताह काफ़ी अच्छा सप्ताह है स्वास्थ्य के लिहाज से भी और पैसे के हिसाब से भी, जानते हैं कुछ उपाय कि कैसे और हम इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बना सकते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि हर मंगलवार को, शनिवार को बंदरों को कुछ केले और केले के पेड़ में दूध का दान कर दूध चढ़ाना, काले कुत्ते को आपको रोटी खिलाना, मीठा खिलाना, गाय और बैल को दूध चावल खिलाना, पानी में नारियल और बादाम को बहाना, ये इस सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। इस राशि के जातकों को चांदी के आयताकार टुकड़ों को ज़मीन में दबाना, अंधों को भोजन खिलाना, शराब और बाकी व्यसनों से दूर रहना आपको इस सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये राशि जो है शनि से गवन है, शनि न्यायप्रिय हैं, शनि झूठ से हमेशा झूठ देने वाले इंसान को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। राशि के जातक यदि इंश्योर करें कि कोई झूठ ना बोलें, हमेशा अपने बड़ों की सेवा करें, अंधे लोगों की सेवा करें, तो यही सप्ताह नहीं और बाकी आगे सप्ताह भी जब भी शनि की कोई प्रॉब्लम आएगी या शनि के जो मित्र हैं वो राहु और केतु हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए और सप्ताह को मददगार बनाने में एक साबित होंगे। हालांकि देखा जाए तो मैं हर राशि के उपाय हर वीक में बताता हूँ कि क्या क्या उपाय करने चाहिए, बट जो एक इम्पॉर्टेंट उपाय है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का दान करना, जो पॉजिटिव प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को धारण करना, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो एस्ट्रोलॉजी से सजेस्ट होते हैं। रुद्राक्ष, बाकी हमारे रतन, सोना और चांदी धारण करना, कलर कॉम्बिनेशंस डे के हिसाब से पहनना, राशि के हिसाब से पहनना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि हर रोज के हिसाब से आप यदि कलर कॉम्बिनेशन को धारण करते हैं और यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप अपने ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। एल्कोहल और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे मांस मदिरा, यदि आप इनका सेवन नहीं करते हैं तो ये भी आपके थॉट को पॉजिटिव थॉट बनाने के लिए एक मददगार साबित होगा। जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे तो आप अपने आप को हमेशा अध्यात्म की तरफ रखेंगे, अध्यात्म की तरफ रहेंगे तो चाहे सुख है चाहे दुख आपको पता भी नहीं चलेगा, समय कैसे एक अच्छे समय की तरह व्यतीत हुआ और बुरे टाइम का कभी आपको आभास भी नहीं होगा। इन्हीं आशाओं के साथ कि आपका आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित हो, मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।